हेलो दोस्तों, मोरू वर्ल्ड में आपको स्वागत है। मैं बताने वाला हूँ आज आपको किस श्रिंकेज किस पार्ट में डली हुई है, नहीं डली हुई, कैसे पता लगाओगे आप। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई ड्राइंग है, ड्राइंग में डायमेंशन दे रखी है और आपके पास एक कैड डाटा है। उस कैड डाटा में मान लो साइज आपके मैच नहीं कर रहे, हो सकता है उसके अंदर श्रिंकेज पड़ी है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि इसके अंदर श्रिंकेज पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो आपको करना यह है जैसे कि मान लो सपोज ये वाला साइज में चेक कर लेता हूँ, ये डायमीटर आ रहा है 21.9 का। ठीक है, 21.9। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि इसके अंदर श्रिंकेज है या नहीं है। ठीक है, तो अब कोई डायमेंशन है, मान लो 20 डायमेंशन है कोई, इस पार्ट ड्राइंग में दे रखी है, इस पार्ट की ये वाली डायमेंशन 20 एम है, तो आपको डिवाइड कर देना है 20, तो ये आपकी श्रिंकेज निकल के आएगी। ये श्रिंकेज की वैल्यू होगी 9.5% श्रिंकेज। अब इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ करके। ये डायमेंशन याद रखना 21.9, इसको हम यहाँ पे 21.9 फीड कर लिया हमने, इसको मिनिमाइज कर लिया। अब इसमें हम डालते हैं स्केल, मान लो मैंने 2% डाल दिया। ठीक है, 2% ऐसे डालते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हैं स्केल, हम ऐसे डालते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप उसका परसेंटेज निकालोगे तो इस टाइप से वैल्यू आएगी। ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका साइज चेक करते हैं, इसका साइज आ रहा है 22.338। ठीक है, अब 21.9 हमारा ड्राइंग में साइज है, ये मान लो। ठीक है, जो हमने चेक करा था इसको याद रखना, मैंने फीड करा 22.338। अब मैं डिवाइड वाइड करूंगा 21.9, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये जो श्रिंकेज पड़ी है इसमें 2% श्रिंकेज पड़ी हुई है। इस टाइप से आप पता लगा सकते हो किसी भी पार्ट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया एक वो। अब आपको श्रिंकेज पता लग गई, अब आपको पता है कि इसका श्रिंकेज। अब मुझे एक्चुअल डायमेंशन पर लेके आना है। आपके पास मान लो कोई स्टेप फाइल आई है और आपको पता है इसके अंदर, आपको पता है श्रिंकेज 2% डली हुई है। अब आपको उसमें जो एक्चुअल पार्ट की डायमेंशन है उसके ऊपर लेके आना है, क्योंकि उसमें क्या नाम है, स्टेप फाइल में तो फीचर नहीं आते पार्ट के। अब तो इसको रिवर्स सिंक कैसे कहते हैं। ठीक है, आपको जाना है स्केल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो स्केल में जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस टाइप से डालनी, इसमें डालना 1/1.02। जितना भी स्केल होगा, जिस टाइप से हम स्केल डालते हैं उस स्केल को 1/1, जो इसको स्केल हमें डाला हुआ उसको हम पीछे डाल देते हैं और अप्लाई कर देंगे। अब देखो इसका साइज चेक करेंगे तो 21.9 आ गया। तो इस हिसाब से हम इस पार्ट को हम रिवर्स सिंक कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट के अंदर कितनी श्रृंखला है वो भी हम पता लगा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप भी जानते हैं, तो लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, सबको बता दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।